हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ फूड। आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बनता है और इसे क्रीमी ग्रेवी में सर्व करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। एक फ्लैट बोल में पनीर और बॉयल्ड आलू ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और कोफ्ते भी स्मूथ बनते हैं। अब इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा, कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में कॉर्नफ्लावर भी डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अपनी पाम्स को ऑयल से ग्रीस करके मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। सारे कोफ्ते इसी तरह बना लेंगे। आप इनको डीप फ्राई या एयर फ्राई भी कर सकते हो, पर आज इनको कुक करने के लिए मैं बहुत कम तेल यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए इनको फ्राई कर रही हूँ अप्पे पैन में। इसमें एक एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे और सारे कोफ्ते रख देंगे। इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे हर तरफ से एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक। इनको निकाल कर साइड रख लेंगे और अब बनाते हैं ग्रेवी। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, इसमें जीरा, साबुत धनिया, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची डालेंगे। साथ ही इसमें गार्लिक डाल देंगे और सॉटे कर लेंगे 20 से 30 सेकंड्स के लिए। कटी हुई प्याज डालेंगे और उसको भी सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से काजू डाल देंगे फॉर क्रीमीनेस। मिक्स कर देंगे और इसमें बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे मसालों को और इसमें पानी डाल देंगे। ढककर पकाएंगे टमेटोज के मशी हो जाने तक। इसमें से खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता और दालचीनी निकाल देंगे। इसको ठंडा होने देंगे और फिर ब्लेंड कर लेंगे एक फाइन पेस्ट में। एंड फॉर स्मूथ कंसिस्टेंसी अब ग्रेवी को छान लेना। कढ़ाई में वापस डालकर बटर और फ्रेश क्रीम डालेंगे, एक बॉईल आ जाने देंगे एंड क्रीमी ग्रेवी फॉर मलाई कोफ्ता इज रेडी। इसमें अभी कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ग्रेवी में अभी डाल दिए तो घुल जाएंगे। इसको सर्व करने के लिए एक बोल में ग्रेवी लेंगे, देन कोफ्ते रखेंगे, गार्निश करेंगे विद सम फ्रेश क्रीम एंड हरा धनिया। रोटी, पराठा या राइस जिसके साथ चाहे सर्व करें एंड एंजॉय। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।